वंदे मातरम मित्रों, आज हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। मानव स्वास्थ्य में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं मानव स्वास्थ्य में रोगी की। रोगी किसे कहेंगे हम? रोगी उसे कहेंगे जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ होगा, उसको अपन रोगी कहेंगे। रोगी भी दो प्रकार के होते हैं। रोगी दो प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट है जन्मजात, सेकेंड है उपार्जित। जन्मजात किसे कहेंगे? जो अपने माँ बाप से अपन अर्जित करते हैं, जो जन्म से ही पैदा होने पर ही अपने को लक्षण जो मिलते हैं, रोग मिलते हैं, उसे जन्मजात कहते हैं। उपार्जित, उपार्जित उन्हें कहेंगे जो अपन वातावरणीय, वातावरणीय कारकों से अपन ग्रहण करेंगे, वातावरण से ग्रहण करेंगे। अब जन्मजात में भी दो है, एक तो है अनुवांशिक और एक है अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिक वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे, अनुवांशिक वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेंगे, एक पीढ़ी जाके रुक जाएंगे। अब उपार्जित में भी संक्रामक है और एक असंक्रामक है। संक्रामक में वो आएंगे जो हवा में, हवा से अपने फैलेंगे, एक दूसरे से टच करने पर, छूने पर फैलेंगे, और असंक्रामक वो है जो हवा में नहीं फैलेंगे। ठीक है, इनसे आगे बात करते हैं। अपन जन्मजात रोगों में बात करेंगे। जन्मजात रोगों में भी आनुवंशिक रोगों की बात करेंगे। आनुवंशिक रोग भी किस प्रकार के? एक्स सह लग्न उत्परिवर्तन द्वारा। ये नाम याद रखना है, एग्जामों में जरूर पूछता है, एक्स सह लग्न उत्परिवर्तन, आनुवंशिक रोग। अब बात करते हैं कौन कौन से आनुवंशिक रोग है। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिस पर आप ट्रिक से वो सारे याद रह जाएंगे। तो ट्रिक है रथ पे सवार ठीक है, RATH, रथ पे सवार, और ये R अपना ऐसे ही है। ठीक है, R का मतलब है यहां हीमोफीलिया, R का मतलब है हीमोफीलिया, A का मतलब है एल्केप्टोनूरिया, ठीक है, टी से मतलब है थैलेसीमिया, और एच से मतलब है हीमोफीलिया, पी से मतलब है फिनाइल कीटोनूरिया, और एस से मतलब है सिकल सेल एनीमिया। अब बात करते हैं वी की, तो वर्णांधता, इसको बोलते हैं वर्णांधता। एक बार देख लीजिए वापस, आर का मतलब है हीमोफीलिया, ए का मतलब है एल्केप्टोनूरिया, टी का मतलब है थैलेसीमिया, एच का मतलब हीमोफीलिया, और टी का मतलब फिनाइल कीटोनूरिया, एस का मतलब सिकल सेल एनीमिया, और वी का मतलब हो जाएगा वर्णांधता, और आर अपने ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद बात करते हैं अपन, सबसे पहले आर की बात करेंगे, मतलब आर से हो जाएगा रंजकहीनता, एल्बिनिज्म रंजकहीनता। इसमें एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज एंजाइम की अपने बॉडी में, अपने शरीर में कमी हो जाती है। इस कमी से क्या होता है, अपने शरीर में मिलेनिन की कमी हो जाती है। अब मिलेनिन क्या है, कि मिलेनिन अपने को पता चलेगा कि जैसे ज्यादा व्यक्ति गोरा है तो उसमें मिलेनिन की मात्रा कम होगी, ठीक है, और ज्यादा व्यक्ति काला है तो उसमें मिलेनिन की मात्रा अधिक होगी। ये मिलेनिन क्या करता अपने शरीर में, मिलेनिन अपने को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ठीक है, ये अपना हो गया रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। रंजकहीनता या एल्बिनिज्म के बाद बात करेंगे अपन, एक बार आप देख लें, नोट कर लें,
चलिए इसके बाद अपना आएगा रथ पे सवार में ए, ठीक है, ए आएगा एल कैप्टनूरिया, एल कैप्टो नूरिया, एल कैप्टो नूरिया, एल कैप्टो नूरिया वह रोग है जिसमें अपने शरीर में रक्त में, ठीक है, रक्त में होता है होमोजेनेटिक, होमोजेनेटिक अम्ल होता है, होमोजेनेटिक अम्ल, होमोजेन रक्त में क्या होता है, होमोजेनेटिक अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, होमोजेनेटिक अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, अम्ल की मात्रा बढ़ने से, अम्ल की मात्रा बढ़ने से अब ये किडनी द्वारा या वृक्क द्वारा, अपन बोलते हैं वृक्क, इसके द्वारा क्या होगा, अवशोषित नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपने शरीर से बाहर निकलेगा मूत्र के साथ में, मूत्र के साथ में बाहर निकलेगा, मूत्र के साथ बाहर निकलेगा, मूत्र के साथ बाहर निकलेगा तो वायु के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आने से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण होते ही एक योगी किया कुछ के अपन रसायन बनेगा एल्केप्टोन, एल्केप्टोन, एल्केप्टोन बनेगा, एल्केप्टोन, एल्केप्टोन बनते ही जो मूत्र होगा उस मूत्र का रंग अपना काला हो जाएगा, मूत्र का रंग काला हो जाएगा, ये अपना एल्केप्टोनूरिया है, ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट, अब बात करते हैं अपन टी मतलब थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, सॉरी थैलेसीमिया, थैलेसीमिया अपने ब्लड में, ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन एसबी मतलब हीमोग्लोबिन होती है, उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, अल्फा और बीटा, अपने अल्फा और बीटा, अल्फा या बीटा संश्लेषण, अपने संश्लेषण होता है शरीर में, बीटा अल्फा तथा बीटा संश्लेषण की दर धीमी पड़ जाती है, ब्लड में अपने हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती है जिनमें संश्लेषण की दर धीमी पड़ जाती है, ये संश्लेषण की धीमी दर पड़ने से क्या होगा, अपने रक्त में कमी हो जाएगी, रक्त में कमी हो जाएगी तो आपको पता है अपन अपने में क्या हो जाएगी, शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी, शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी, शारीरिक, शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी, यह आपका है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ब्लड हीमोग्लोबिन अल्फा बीटा संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, रक्त में कमी हो जाएगी, इससे शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी, एक बार नोट कर लीजिए आप, हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया को अपन कहते हैं राजाशाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं, रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में ये रोग था, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में था, तो देखें इस हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया रोग में होता है जब आपके चोट लग जाती है, मान लो कहीं भी चोट लग गई, तो चोट लगने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, इसके बाद हीमोफीलिया भी दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए में क्या होता है, रक्त स्कंदन कारक, रक्त स्कंदन कारक आठ की, रक्त स्कंदन कारक आठ की कमी से होता है, और ये बी रक्त स्कंदन कारक, स्कंदन कारक नौ की कमी से होता है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए,
इसके बात करेंगे फिनाइल कीटोन होगी, फिनाइल कीटोन होगी, ये अपने 12वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण, 12वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन होता है उस एंजाइम की कमी से, एंजाइम की फिनाइल, फिनाइल एलेनिन एंजाइम की कमी से क्या होता है, ये शरीर में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और एक जगह इकट्ठा होने पर क्या होगी, अपने को मानसिक दुर्बलता, ये मानसिक दुर्बलता से संबंधित है, और अपने को रोग हो जाएगा मानसिक दुर्बलता, दुर्बलता हो जाएगी। ये आपका फिनोल किटोनुरिया, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट खींच लिया। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया, इसमें ये भी अपने हीमोग्लोबिन की कमी से ही होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, अपने शरीर में होता है, शरीर में होता है अमीनो एसिड, सॉरी अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड के छठे छठे नंबर पर, छठे नंबर पर होता है ग्लूटामिन, अमीनो एसिड में छठे नंबर पर, छठे नंबर पर होता है ग्लूटामिन संरचना में। ठीक है, अमीनो एसिड की संरचना छठे नंबर पर संरचना में ग्लूटामिन की जगह, ग्लूटामिन की जगह वेलिन नामक रसायन आ जाता है, वेलिन नामक रसायन आ जाता है। इस वेलिन नामक रसायन के आने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का आकार गोल से हंसियाकार हो जाएगा, हंसियाकार मतलब इस प्रकार का हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा, हंसियाकार हो जाएगा। एक बार ये आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, खींच लिया होगा मेरे हिसाब से, हंसियाकार होने से अब सिकल सेल एनीमिया में हंसियाकार हो जाएगा, जिससे एनीमित अपने शरीर में आरबीसी हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि इसमें रोगी कैसे होंगे, इस सिकल सेल एनीमिया को अपन स्मॉल सी से प्रदर्शित करेंगे रोगी पुरुषों में, देखें पुरुषों में देखें रोगी को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, और वाहक होती है महिला, महिलाएं एक तो वाहक भी होगी एक रोगी होगी। ठीक है, वाहक और रोगी इनमें क्या डिफरेंस होगा, वाहक में सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एक ही होगी और रोगी में दो होगी। ठीक है, ये कॉपी कर लें, इसके बाद देखते हैं बिठा देता हूं। बाद में आता है वर्णा अंधता, वर्णांता, वर्णांता क्या होती है कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्ण
अंधता, मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग, अंधता मतलब दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना। इस रोग में क्या होता है कि जो लाल रंग और हरा रंग होता है उसमें जो रोगी होता है वो विभेद नहीं कर पाता है, रंग कौन कौन से लाल वे हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक इतना ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमारा नॉलेज था, बता दिया।